दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। रीवा संभाग में भाजपा 18 सीट बरकरार रख पाएगी। वर्तमान में रीवा संभाग की 22 विधानसभा में 18 पर भाजपा विधायक है, महज 4 पर कांग्रेस विधायक है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए, चाहे प्रतिपक्ष के नेता रहे अजय सिंह राहुल हो या विधानसभा उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह। मगर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह क्या रीवा संभाग की 18 सीटों पर अपनी जीत बरकरार रख पाएगी। बीजेपी कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने जा रही है। कौन कौन सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बदलेगी, इसका जिक्र अगले किसी वीडियो में करेंगे। मगर बीजेपी को 18 सीटें बचाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि भाजपा ने अपनी रणनीति में काफी कुछ बदलाव भी किया है। भाजपा रीवा संभाग में जिन 4 सीटों पर कांग्रेस जीती है उन्हें जीतने की योजना पर ज्यादा ध्यान दे रही है। 2 सीटों पर भाजपा सफल होती भी दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो खुद सर्वे कराया है उसमें 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर सर्वे रिपोर्ट सही नहीं मिली है कांग्रेस को। यानी कांग्रेस जीती हुई सीट में भी 2 पर हार रही है। यानी कांग्रेस की 4 सीटों में से 2 भाजपा छीन सकती है। मगर भाजपा की 18 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटें छीन रही है, यह सबसे अहम सवाल है। मैं जो स्थितियां आज के हिसाब से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, उस स्थिति में रीवा संभाग में भाजपा दहाई अंक नहीं पार कर पा रही है। इसके कई कारण हैं। गुटबाजी, आपसी भितरघात, एक दूसरे को हराकर अगले चुनाव पर अपनी दावेदारी मजबूत रखने की सोच, जातिवाद, सवर्ण बनाम ओबीसी में बढ़ती दूरियां, सवर्णों में ठाकुरों से दूर होते ब्राह्मण, ब्राह्मणों का कई गुटों में विभाजित होना, वैश्य संगठित होना, अपने अपने वर्चस्व के लिए काम करना, ऐसे कई फैक्टर सामने आ रहे हैं। अभी कई नए नए समीकरण और सामने आएंगे। हम हर समीकरण पर अपनी नजर रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।